तो आज हमारे साथ हैं सचिन, सचिन वाजपेयी। यस हाँ, तो सचिन के नंबर हैं 141, यानी 141 आउट ऑफ 150, यानी 150 में से 141 नंबर हैं। सी टेट पेपर वन की हम बात कर रहे हैं, पेपर टू की भी हम बात करेंगे। इन्होंने पेपर टू भी क्वालिफाई किया है। और कैसे ये तैयारी इन्होंने की, क्योंकि 141 नंबर लाने के लिए 150 में से सब कुछ ही पढ़ना होगा, तो कैसे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट को अप्रोच किया, कोचिंग इन्होंने ली नहीं ली, सेल्फ स्टडी की या ऑनलाइन स्टडी की, तो कैसे की, इस वीडियो का उद्देश्य ये है। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये सचिन ये बता पाएं कि इन्होंने मेरे चैनल के थ्रू पढ़ाई की। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप अगर एक नॉर्मल लर्नर हैं, सचिन लखनऊ के किसी एक गांव से हैं, कहीं आप भी ऐसे ही दूर बैठे होंगे, तो वो तैयारी आप कैसे करें कि सही अप्रोच से, सही ढंग से तैयारी करके सही समय पर आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकें और आगे की तैयारी में जुट जाएं। थोड़ा सा आप बताइए कि आपने कैसे तैयारी शुरू की, पांच के पांच सब्जेक्ट होते हैं, और कोचिंग ली है नहीं ली है, आगे की फिर आप बताइए। कोचिंग लेने का ना समय था ना आवश्यकता महसूस हुई उसका सिलेबस देखते हुए। बस सबसे अहम सवाल ये था हमेशा से कि तैयारी की कहाँ से जाए, सोर्स क्या हो। सोर्स का मतलब है मात्र एक सोर्स ही नहीं बल्कि कुछ ऐसा मटेरियल जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, जिस पर जब आप अपना इतना कीमती समय आप इन्वेस्ट करें तो बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े। तो इसके लिए मैंने सबसे जो तरीका अपनाया, जो सबसे अच्छा तरीका अपनाया मैंने, वो ये कि जो लास्ट ईयर के रिव्यूज़ रहे हैं क्वेश्चन जी पेपर्स के, स्पेशली आंसर कीज़ के, ठीक है। जो अलग अलग संस्थान हैं, जैसे कि आप जानते हैं आज इंटरनेट की इस दुनिया में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं हमारे पास, तो ऐसे में मैंने ये चेक करना पहले शुरू किया। और फिर फाइनली एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड भी किया, तो फाइनली मैं लेट्स लर्न के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और सबसे पहले सीडीपी से मैंने स्टार्ट किया। जैसा कि हमें पता है कि इसमें पांच सब्जेक्ट्स होते हैं, सीडीपी, ईवीएस, दो लैंग्वेजेस आपकी कोई भी, हिंदी, बिल्कुल इंग्लिश, संस्कृत में से, एंड मैथमेटिक्स। बिल्कुल जो चार सब्जेक्ट्स हैं इनसे हम शुरुआत से कहीं ना कहीं फैमिलियर होते हैं, बिल्कुल बट सीडीपी एक नया सब्जेक्ट होता है हमारे लिए, तो उससे डील करना, हम डीएलएड में उसे पढ़ते हैं बट सीटेट स्पेसिफिक नहीं होता वो, उसका एग्जाम कोई, ओरिएंटेड नहीं होता बिल्कुल वो। बिल्कुल हाँ, नहीं वो उसका, थ्योरेटिकल पढ़ा, 4 पेज 5 पेज का एक आंसर लिखा और हो गया। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो ऐसा कुछ डिवीजन उसमें नहीं होता, ऐसा कुछ हमें उसमें देखने को नहीं मिलता। तो ज़्यादातर लोग इसी पर फोकस भी करते हैं, मैंने भी वही किया। तो मैं ऐसे ऐसे करते करते लेट्स लर्न के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा ठीक है। और मैं काफ़ी संतुष्ट हुआ जो मैंने जो उसे रिस्पॉन्सेज देखे, स्पेशली मतलब मेरा ये कहने का है कि यहाँ से क्रेडिबिलिटी डेवलप हुई कि हाँ मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। आप बता रहे थे मेरी जब आपसे फोन पे बात हुई थी जी जी कि मतलब आपने वेरीफाई किया हाँ हाँ पुरानी आंसर कीज देख के कि बिल्कुल बिल्कुल जो आंसर्स हैं उसमें कितने सही हैं और बिल्कुल वो आपके 100% सही निकले। हालांकि जी सबका अपना एक तरीका हो सकता है, अब इसको हम ये कहें कि यही एकमात्र तरीका है। सब हर कोई लर्नर अपने तरीके से वेरीफाई करता है अपने टीचर को कि वो बिल्कुल ट्रस्ट बिल्ड कर सके, क्योंकि टीचिंग में ट्रस्ट फॉरमोस्ट है एक तरीके से, सबसे पहले है। बिल्कुल तो वो आपका तरीका था कि आपने पुरानी 2019 की दोनों आंसर कीज चेक की और देखा कि मतलब कोई क्वेश्चन गलत नहीं था आंसर बिल्कुल की, मतलब जो टीचर पेपर आने के बाद बताता है ऑफिशियल से पहले। ऑफिशियल से पहले एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मैम इस तरह से मैंने अपना विश्वास एक बनाने की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे जो है वो अपने आप बढ़ता चला गया और जो परिणाम है वो आपके सामने है। बाकी बात करें इसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक बिल्कुल रणनीति की, तो उसका जो फ़ायदा हमें मिला सीडीपी से शुरुआत करें ठीक तो है। इसमें आपका एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी स्पेसिफिक की, इसमें पूरा कोर्स जो है आपका बाल विकास का, इसमें वीडियोस यहाँ इसके लेट्स पड़े लर्न हुए हैं पे बिल्कुल लेट्स लर्न पे प्लेटफॉर्म पे ओके। पूरी तरीके से दिए हुए इसके हैं। अलावा किताब कोई मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी सीडीपी के लिए, मैं सच सीडीपी बताऊँ तो मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी सीडीपी के लिए, मैंने सिर्फ वो वीडियोज़ देखे। और एग्ज़ाम शुरू होने के पहले, लगभग कुछ दिन पहले, जो एक्सपर्ट सीरीज़ स्टार्ट हुई थी स्पेशली सीडीपी के लिए, ठीक है मैं कंटिन्यूअसली मैं उसको देखता रहा, ठीक है ये ठीक है। मैं रूटीनली करता रहा। बेसिकली और सब सीडीपी एक्सपर्ट या एक्सपर्ट सीरीज जो थी सीटेट को लेकर के, उसमें ये था चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी थे, एक्सप्लेनेशन भी था, रिवीजन बिल्कुल भी था, मतलब उस तरीके से। तो बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो वो और इसका मुझे फ़ायदा बहुत जल्दी दिखना शुरू हो गया क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी पेपर में आपको एक्सेल करना है तो जो आपकी बुक्स हैं, जो आपका अदर मटेरियल है, जो अदर सोर्सेज हैं, उनको आप साइड में रख दीजिए। सबसे अच्छा सोर्स जो होता है पेपर को समझने का, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं। बेस्ट बिल्कुल तो थोड़े दिन बाद जब मैंने उनको लगाना शुरू किया प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो मुझे दिखने लगा कि हाँ चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं।
और फिर ये तो CDP की बात हुई, इसके अलावा जैसे EVS की बात करें तो आपके CTET में पूरे पेपर में ऐसा रहता है कि 50-50% डिवीजन होता है पेडागॉजी का एंड फैक्ट्स का। ठीक बात है। तो EVS में मैंने उसके लिए एज यूजुअल NCERT पर मैं निर्भर रहा, उनके फैक्ट्स के लिए और मैथमेटिक्स के लिए भी NCERT पर, और लैंग्वेजेस के लिए जो ग्रामर पोर्शन है वो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मेरा मानना है क्रेडिबल बुक होनी चाहिए उसके लिए। बट ग्रामर उतनी तो इंपॉर्टेंट, बट ग्रामर उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, बट अगर अच्छा एक स्कोर करना है तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल, कुछ क्योंकि हिस्सा तो आता ही है, तीन हमारे चार नंबर। पास, यहाँ पे मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमारे पास समय है और हम उसी चीज़ को कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की तरह ये धारणा बना करके नहीं चलना है कि बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और इसमें बस 82 या 90 मार्क के आगे करके चले जाना है, ऐसे इसको नहीं लेना है। तो क्योंकि आपने प्रॉपर ग्रामर पढ़ी है बुक्स से? हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ फैक्ट्स को उसको रिवाइज किया एक हाँ, तो बार वो से, जनरल बुक्स थी या कोई नाम आप बताना चाहें? जनरल बुक्स थी वो, स्कूल की ठीक, एजुकेशन की आपकी जनरल अच्छा बुक्स अच्छा थी, अच्छा उनको मैंने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया। और उसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम आता रहा, क्योंकि CDP नया सब्जेक्ट था, तो ऐसा मेरा मानना है लगभग सभी के साथ होता होगा कि ज़्यादा फोकस हमारा पेडागॉजी एंड CDP पर रहता है, बिल्कुल। और जब एग्ज़ाम करीब आता गया तो बाकी सब्जेक्ट्स के रिवीजन की चिंता हुई। ठीक है। एंड इसका जो सबसे अच्छा हल सामने आया, जो कि अपने आप ही आया लर्सन की तरफ से, लास्ट के 5 डेज में आपने मैराथन स्टार्ट कर दी, हाँ तो वो तो जो एक जो कॉफिन की आखिरी कील होती है उसकी तरह साबित हुआ कि CDP लास्ट नेल इन द का कॉफिन है। ये असेसमेंट, उसी तरह से आपका जो पेडागॉजिकल टर्म्स होते हैं कुछ, इन्हें ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे EVS में है आपका, हिंदी में है, इंग्लिश में है, और स्पेशली क्रेडिबल जैसा कि मैंने आपको बताया, तो CDP में मेरा विश्वास बन ही चुका था। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपने 5 डेज 5 मैराथन चलाया, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स और ये आपका जो मटेरियल है ये इट वाज सफाइस तो फॉर दिस। प्रीवियस ईयर जब आप कर रहे थे, तो मान लीजिए कोई भी आपने एक पुराना पेपर उठा लिया, बिल्कुल या तो कोई बिल्कुल, बुक ली होगी या तो वेबसाइट से, कैसे किया था? मैम प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने डाउनलोड कर लिए थे, डाउनलोड कर एक्चुअली लिया। अच्छा। मैंने उसे डाउनलोड कर लिए थे वेबसाइट से, और उसके बाद मैंने वहीं से आंसर की देखना से शुरू किया था। अच्छा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 2018 से तो हमारे पास प्रॉपर आंसर कीज हैं अब बिल्कुल तक बिल्कुल की, तो बिल्कुल वो भी अगर आपने अच्छे से एनालाइज कर लिए तो, या प्रॉपर समझ लिए कहाँ से क्या आ रहा है। कोई भी जरूरी नहीं कि आप किसी पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने बताया स्टेट की आपने बुक्स पढ़ी थी, जैसे बिल्कुल ग्रामर की हुई बिल्कुल या फिर बाकी सब्जेक्ट्स की हुई, फिर प्रीवियस जी, ईयर हुआ प्लस NCERT हुई, NCERT तो जरूरी नहीं है कि हम कोई एक पब्लिकेशन की बुक पढ़ें या फिर कुछ एक स्पेसिफिक पढ़ें। मुझे जो लगता है सचिन, यहाँ पे मुझे ये लगता है कि CTET का ना सिलेबस फिक्स्ड है बिल्कुल और वो उसी बिल्कुल के चारों ओर घूमता है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल, टॉपिक्स या उनमें से भी वो टॉपिक्स जो बार बार रिपीट जो होते बार हैं, बार रिपीट होते हैं वही, तो वो बिल्कुल कैसे सेलेक्ट किया, मतलब उसको कैसे चुनाव कैसे किया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है? मैम, जैसे जिस हिसाब से पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, जिस हिसाब से वो रिकर हो रहे हैं, उस हिसाब से हमने इनको चूज़ किया कि नहीं पहले इनको टारगेट करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बार बार पूछे जा रहे हैं सिलेबस का पार्ट है, पहले उनको टारगेट किया, और इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिली। जैसे जो वीडियोस थे, अब ऐसे क्या है कि आपको सिलेबस के हिसाब से पूरी चीज़ें A to Z एक्सप्लोर करनी है एक तरफ से, तो जब आप किसी ऐसे टीचर के गाइडेंस में होते हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो इसमें बहुत मदद मिलती है आपको कि जो मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स होते हैं वो आप पहले ही कर चुके होते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके आपका कुछ सेक्शन एकदम सिक्योर कर देते हैं कि हाँ इतना तो हो ही जाना है, बिल्कुल। बाकी फिर किस हिसाब से हम उसमें अपना समय दे रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है। और इसमें फिर आपने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो मैं हर एग्ज़ाम का मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट ये जो है हम सीखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा करके, STs दे करके, मॉक टेस्ट दे करके। तो बिल्कुल मैम, मैंने जनरल जो बुक्स हैं मार्केट में मैंने वो मॉक टेस्ट खरीद लिए थे, बट उसके पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को 2-3 बार लगा लिया था, पढ़ने के पहले भी और पढ़ाई करने के बाद बाद भी, जैसे जो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि जैसा कि इसमें CDP में था कि जनरल में सीटेट एक्सपर्ट में, हम साथ ही साथ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस करते चल रहे थे, तो अलग से उसे नहीं करना पड़ा मुझे, बट बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने उनको भी लगाया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी लगाया और मॉक टेस्ट भी लगाया।